हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मनप्रीत, स्वागत है आपका मेरे चैनल रिकीज़ फूड आर्ट में। तो हम फिर से हाजिर हैं एक नई रेसिपी के साथ। तो आज हम राज कचौरी बनाना बताएंगे, जिसे कि कचौरियों का राजा भी कहा जाता है। राज कचौरी में खट्टे, मीठे, तीखे, नमकीन सभी तरह के स्वाद अवेलेबल होते हैं, जिसे कि खाना सभी को बहुत ही पसंद होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए हुए बेल के बटन को दबाएं, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो राज कचौरी बनाना शुरू करते हैं। राज कचौरी बनाने के लिए हमें सबसे पहले पूड़ी का डो लगा के तैयार करना है, जिसके लिए मैंने एक कप सूजी ली है। ये आम नॉर्मल वाली सूजी है, जो कि हलवे में यूज होती है। 2 चम्मच इसमें गेहूँ का आटा लिया है। 1 चम्मच इसमें मैदा लिया है। इन सभी को हम सूजी में मिक्स करेंगे और एक हल्के गुनगुने पानी से इसका एक सॉफ्ट डो लगा के तैयार करेंगे। ध्यान रखें कि पानी आपका हल्का गुनगुना हो, जिससे कि सूजी को फूलने में मदद हो सकेगी। और सॉफ्ट डो लगा के तैयार करना है। डो हमने लगा के तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट डो तैयार हुआ है। और अब हम इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे, ताकि सूजी अच्छे से फर्मेंट हो जाए। और अब हम दूसरी तरफ अपनी स्टफिंग बना के तैयार कर लेंगे। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 उबले हुए आलू लिए हैं, जिसको कि काट लिया है। 1 बारीक कटा हुआ प्याज लिया है। 1 स्प्राउट लिए हैं 4 चम्मच। मूंगी, जिसको के रात भर भिगो के रखा हुआ था। काले चने उबले हुए 4 चम्मच। हरा धनिया 2 चम्मच। 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसको के बारीक पतला लंबा काट लिया है। और इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से प्रॉपर स्टफिंग बना के तैयार करने से राज कचौरी बहुत ही अच्छी बनती है। 1/2 चम्मच इसमें लाल मिर्च का पाउडर लिया है। 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर लिया है। 1/2 चम्मच चाट मसाला लिया है। इन सभी को स्टफिंग में मिक्स करेंगे। और 1 चम्मच इसमें नींबू का रस ऐड करेंगे, जिससे कि स्टफिंग का टेस्ट बहुत ही चटपटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपनी सभी मसाले ऐड करके स्टफिंग को तैयार कर लेंगे। तो स्टफिंग हमारी बनके तैयार है। और उधर हमारे आटे को रेस्ट करते हुए भी 15 मिनट हो गए हैं, और आप देख सकते हैं कि ये पहले से कितना टाइट हो गया है। सूजी हमारी अच्छे से फूल गई है। और अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के एक बार इसको फिर से मसल लेंगे। आटा हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। और अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां काट लेंगे और हल्के हाथ से लोइयां बना के तैयार कर लेंगे। तो मैंने अपनी सभी लोइयां बना के तैयार कर ली हैं और अब हम इनकी कचौरियां बनाएंगे। कचौरी बनाने के लिए चकले पे मैं थोड़ा सा ऑयल लूंगी, जिससे कि हमारी कचौरी चिपकेगी नहीं। 1 लोई लेंगे और इसको पतला बेल के पूड़ी की शेप में तैयार कर लेंगे।
और जहाँ पे हम एक कटोरी लेंगे और उसकी हेल्प से हम अपनी कचौरी को बिल्कुल गोल कर लेंगे। इस तरह से हमारी सभी कचौरियाँ गोल और एक ही साइज़ की बनके तैयार होंगी। तो इस तरह से हम अपनी सभी कचौड़ियाँ बेल के तैयार कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि कितनी पतली कचौड़ी बेल के तैयार करी है। और इस तरह से हम अपनी सभी कचौड़ियाँ बेल के तैयार कर लेंगे। कचौड़ियाँ हमने बेल के तैयार कर लिया और अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने दूसरी तरफ अपना तेल गर्म करने के लिए रख दिया था, जिसमें हम अपनी कचौड़ी ऐड करेंगे और हल्के हाथ से छलनी की मदद से प्रेस करते हुए इसे सेक लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पूड़ी कितनी अच्छे से बन के फूल के तैयार हो रही है। इनको दोनों तरफ से हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे और इस तरह हम अपनी सभी कचौड़ियाँ सेक के रेडी करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी लग रही है और इसी तरह से बाकी की भी सभी कचौड़ियाँ सेक के तैयार कर लेंगे। कचौरी हमारी बनके तैयार है और आप देख सकते हैं कि कितनी क्रिस्पी लग रही है और कितनी कुरकुरी है। और अब हम इसके ऊपरले हिस्से में शेद करके अपनी स्टफिंग भरेंगे। और इसमें हम अब 3 से 4 चम्मच अपनी स्टफिंग भरेंगे, जहाँ पर जो हम हरे पुदीने और लाल इमली की चटनी यूज़ कर रहे हैं उसको कैसे बनाते हैं इसका वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे दिया हुआ है और जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप चाहे तो वहाँ जाके इस चटनी की रेसिपी को देख सकते हैं। स्टफिंग ऐड करने के बाद अब हम इसमें अपनी हरे धनिए की तीखी चटनी ऐड करेंगे 1 चम्मच। 1 चम्मच इसमें खट्टी मीठी इमली की चटनी ऐड करेंगे। 1 चम्मच जिसको कि मैंने थोड़ी देर भिगो के रखा हुआ था वो भी इसमें ऐड करेंगे और स्टफिंग इसमें थोड़ी और ऐड कर लेंगे ताकि राज कचौरी अच्छे से भर के तैयार हो। इसमें हम अपना दही ऐड करेंगे जिसको कि अच्छे से फेंट के चीनी मिक्स की हुई है, क्योंकि राज कचौरी में हमेशा मीठा दही ही टेस्टी लगता है। फिर से इसमें अपनी हरी चटनी ऐड करेंगे और इमली की चटनी भी ऐड करेंगे। और थोड़े से हम इसमें बारीक वाले सेव ऐड करेंगे, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, हल्का सा नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और खट्टी मीठी चटनी फिर से ऐड करेंगे, जो हमारे खाने के टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगी। और इसमें अनार के दाने ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, राज कचौरी हमारी बनके तैयार है और आप देख सकते हैं कि देखने में ही कितनी लाजवाब और टेस्टी लग रही है और देखते ही आ रहा है ना मुंह में पानी। तो फ्रेंड, मेरे से तो रुका नहीं जा रहा, मैं तो जा रही हूँ अपनी राज कचौरी खाने। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और बताएं कि आपकी राज कचौरी कैसी बनी। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।